हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलेंटिक के बारे में। एलेंटिक प्राइवेट लिमिटेड जो कि नोएडा सेक्टर 80 में यह कंपनी पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है कंपनी के बारे में। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बता दूँ, नोएडा में एलेंटिक 3 कंपनी है, ठीक है, 3 ब्रांचेज के, एक सेक्टर 80, सेक्टर 83 और डाबरा, ठीक, 3 ब्रांच है। तो आप कभी भी आइएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको जब भी आना है सेक्टर 80 वाले में आना है, क्योंकि इस वीडियो देखिए तो सेक्टर 80 वाले में आइए, क्योंकि ये कंपनी सेक्टर 80 में ही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एलेंटिक कंपनी में काम क्या होता है। तो जैसे कि न्यू फ़ोन लॉन्च होता है, सैमसंग का होता है, तो उसका ये चार्जर बनाती है। 3 प्लांट इनकी, सेक्टर 80, सेक्टर 83 और डाबरा, तीनों प्लांट में अलग अलग काम होती है, लेकिन ये जो सेक्टर 80 वाले एलेंटिक है इसमें चार्जर बनाती है। न्यू चार्जर जो भी फ़ोन लॉन्च होता है उसकी ये चार्जर प्लस बैटरी जो होती है वो चार्ज करके सैमसंग को हैंडओवर करती है। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। तो कंपनी की तरफ से आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री रहेगी, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है, वो कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी में वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि इस कंपनी में 2 शिफ्ट चलती है, नाइट और डे। तो आपको 15-15 दिन पे शिफ्ट चेंज होगी, 15 दिन डे और 15 दिन नाइट। अगर आप नाइट कर सकते हो तो आप इसमें वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 15 दिन नाइट और 15 दिन डे चेंज होती रहती है। और ये जान लीजिए कि इस कंपनी में लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम करती है। तो लेडीज़ के लिए तो कंटिन्यू डे ही रहेंगे, वो तो नाइट नहीं करेगी, लेकिन आपको और आपका शिफ्ट हमेशा चेंज होते रहेगा, 15 दिन नाइट और 15 दिन डे। इस एलेंटिक कंपनी में लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम करती है, तो आप लेडीज़ हो या जेंट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको मिनिमम 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, हाँ 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, और एज 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको 3 फ़ोटो, 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड का जो डेट ऑफ है, तो दोनों सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ITI है तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास जितने हार्ड क्वालिफिकेशन हो, ITI हो, 10th हो, 12th हो, BA हो, ग्रेजुएशन, मतलब जो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी लगती है। अब ये मत सोचिएगा कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, मतलब ITI है, तो आपको वही काम की जाएगी जो 10th वालों से करवाई जाएगी, नहीं, इसमें बहुत सारे काम हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम की दी जाएगी और फैसिलिटीज़ भी अलग रहेगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। आपको HR इंटरव्यू लेंगे, आप इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस करते हैं उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन रहेगी, उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, पोस्ट उसी के हिसाब से आपको दी जाएगी। बात आती है इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं बता दूँ, इस कंपनी में वैकेंसी फिर से चालू हो गई है, क्योंकि अभी सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है, जिसके कारण कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। जो भी चार्जर बनाती है वो उतनी बन नहीं पा रही जितनी कंपनी का टारगेट है, तो इसके लिए कंपनी ने फिर से वैकेंसी चालू कर दी है। तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आराम से हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं बता दूँ, नोएडा में बहुत सारी कंपनी, हर रोज़ किसी न किसी कंपनी में वैकेंसी चलती रहती है, तो आपको जानना है कि किस दिन किस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।